चलिए, इस सवाल का जवाब जरूर लिया जाएगा। एक और दर्शक है योगेश हमारे साथ में, कहिए योगेश जी। योगेश जी आप हैं हमारे साथ में। चलिए दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए, और दिक्कत शायद इसी वजह से हो रही है। कुलदीप जी आप कहिए, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं अपने विधायक से? हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। कुलदीप जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने एक कोशिश की। नरेश जी आपके लिए एक सवाल आया था, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो है उनके लिस्ट बाहर नहीं आई, अब यानी कि लिस्ट अभी तक निकली नहीं और आपसे काफी उम्मीदें हैं लोगों को। और बड़ी उम्मीद है इनको, होनी भी चाहिए, और हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट बनवाने का, और जल्दी से जल्दी आउट होने वाली है। नहीं तो कैसे, आप बताइए ना कहाँ पर दिक्कतें थी और अब किस तरह से, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कई सवाल आए हैं जो आप लोगों आपसे एक संतुष्ट हो जाए ऐसा जवाब चाहते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर चुनाव हो जाएंगे, दो तीन महीने तो फिर गए। देखिए मैम, मैं बोर्ड का सदस्य तो हूँ नहीं जो एक्यूरेट बता सकूं, लेकिन आग्रह किया है हमने, हमारे सीनियर लीडर है पार्टी में भी, की इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाया जाए, जल्दी से जल्दी भाइयों को रोजगार दिया जाए। चलिए हमारे साथ कुलदीप जी हैं, आप क्या जानना चाहते हैं कुलदीप जी? कुलदीप जी कहिए। मनोज जी आप कहिए। हेलो, हाँ जी मनोज जी कहिए। हाँ जी, हम उद्धा सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं, उद्धा साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है, और नरेश प्रधान बारली जिंदाबाद। चलिए ये एक तारीफ जरूर थी। नरेश जी कुछ जगहों की सड़कों को लेकर बातें उठ रही हैं कि आपने कई जगहों पर काम हुए लेकिन सभी जगहों पर नहीं हुए, और सीवर व्यवस्था की भी बातें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, सीवर का तो ग्रामीण असल में कहीं सिस्टम है ही नहीं। ये अंशुल जयसवाल कई साथी हमारे ठोक देते हैं। हाँ। और सीवर सिस्टम है ही नहीं कहीं ग्रामीण में। पानी की निकासी होती है, झील वगैरह जो होते हैं मैम, लकड़िए फिर तमाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो वो जो भी सिस्टम है वो सुचारू रूप से रात दिन काम किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की 40 साल से घनघोर अपेक्षा हुई, कोई इसको पूछता नहीं था, इसको सिर्फ सत्ता पाने का साधन समझ रखा था। यहाँ से लोगों को बहला फुसला कर बरगला कर वोट तो ले जाते थे, लेकिन उसके बाद में हमारे किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, श्रमिकों की कोई सुध नहीं ली जाती थी। आज हम ईमानदारी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा रात और दिन समर्पित भाव से। नरेश जी ये बताइए कि आपने बादली के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कौन सी खास योजनाएं आप लेकर आए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अपेक्षा हो रही थी, शोषण हो रहा था, इस विधानसभा क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा था। आपने कहा कि आपके शासनकाल में, और हुड्डा यानी कि मुख्यमंत्री का आपने नेतृत्व की बात कही, कितने करोड़ की आप योजनाएं लेकर आए, क्या खास लेकर आए, ये बताइएगा हमारे दर्शकों को। मैम अगर सुबह से शाम तक आपको गिराने लगेंगे तो कागज पेन की स्याही खत्म हो जाएगी। सर नहीं, आप सुबह से शाम की मत, आप आंकड़े कुछ बता दीजिए, कुछ तो जबान पे होंगे। हम एक रुपया खर्च करते हैं तो हमें याद रहता है कि कहां खर्च किया, तो ऐसे तो आपको भी याद होंगे, क्योंकि आपका ये कहना है कि आपने जो किया वो किसी ने नहीं किया, तो ऐसे में कुछ तो आंकड़े दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ ना, 33 केवी से 132 केवी के सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं बिजली के लिए। कई हजार करोड़ रुपए वहां पर सप्लाई पर, बड़े दादरी हो, माजरी हो, बादली हो, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं बड़े स्तर पर। मास खोली है, IITs बनाई जा रही है, बादली कॉलेज बनाया गया है, फोर लाइन गुड़गांव का काम चालू है, बादली बस अड्डे का काम फिलहाल चालू है, और बड़े रोडों को बड़ा दर्जा दिया है। घिसी पट्टी हालत थी, एक एक घंटा झज्जर जाने में लगता था, एक एक घंटा झज्जर जाने में बादली से लगता था मैम। आज बाड़मेर पोस्ट से भी बेहतर रोड बादली के अंदर है, बादली विधानसभा के अंदर है। रेल की सदियों से चली आ रही थी मांग, हमारे पुरखे और बुजुर्ग
संघर्ष किया। चित्रसेन सैनी थे हमारे एक बुजुर्ग, उन्होंने तो संघर्ष करते करते सौरंग से हार गए, पर किसी ने इस क्षेत्र बिल्कुल आपसे वो आंकड़े जानना चाहे, कई हजार करोड़ के बारे में नहीं, कुछ करोड़ के बारे में बताइएगा। एक दर्शक हमारे साथ में, उनका सवाल पहले जान लेते हैं। विपिन जी कहिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं विधायक से? जी हमारे जो है प्रेजेंट जो विधायक जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि ऐसी जेड का मामला भी है, गलियों की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज नहीं है, कुछ भी काम नहीं करा है जी हमारे विधायक जी ने। जी अपना खुद का ही भरते हैं, बाकी समाज की तरफ तो देखते ही नहीं है। ऐसी जेड का अभी जो मामला उठाया है ओम प्रकाश धनखड़ ने उठाया, जो बीजेपी के मोदी के करीबी बताए गए हैं जी, और मोदी जी ने हमारे बादली विधानसभा में ओम प्रकाश धनखड़ जी को उतारा गया है, जिससे हमें ये लग रहा है ओम प्रकाश धनखड़ हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे जी। नहीं फिर वो तो ये जो आप बात कह रहे हैं, फिर वो इनेलो वाले भी कहेंगे, हम चाहते हैं कि निष्पक्षता के साथ आप एक आम जो वहां की जनता होती है वो बनकर हमसे बात कीजिए। प्रोग्राम की रियलिटी ही तभी है जब हम निष्पक्ष होते हैं, किसी का समर्थन नहीं करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में, उनका भी सवाल ले लेते हैं फिर जवाब लेते हैं नरेश जी से। कहिए क्या कुछ आपका सवाल है? हाँ जी कहिए विष्णु जी। हाँ जी, मैं विधायक जी का जी धन्यवाद करना चाहूँ, पूरे पादली में विकास हुआ है। हाँ जी चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर नरेश जी बातें तो मिली जुली आ रही हैं, ये ठीक बात भी है, लेकिन आपने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, केवी स्टेशन का जिक्र हो रहा, आपने कहा कि काम चल रहे हैं, स्कूल पे काम चल रहे हैं, और आपने आईआईटी का भी जिक्र किया, ये कब पूरे होंगे? एम्स के अंदर पादरी बस अड्डे का काम चालू है, कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है, क्लासे लगनी शुरू हो चुकी है, और कुछ काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक दिन में मैम पूरा नहीं हो सकता। और हमारे जो एससीजेड जो हम लेकर आए थे, मेरा एक साथी कह रहा था ओम प्रकाश धनखड़ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हमारे किसानों ने वो जमीन बो रखी है, मैंने बोआई है, खड़े हो गए, ये क्या आवाज उठाएंगे, कल आए हैं ये तो। और ये खिसियानी बिल्ली खम्बानो थे, हार पीछा ही छोड़ देगी, पहले आ रहे हैं जमान में नेता बनने की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों ने रखी है जमीन, और जब ऐसी जेड वाला कोई कार्रवाई करना चाहेगा तब हम उससे बात करेंगे कि आपने बड़ा उद्योग स्थापित करने की बात की थी जो नहीं लगाया, हमारी जमीन न गई, हमारे को खाली हाथ कर दिया, रोजगार हमारे को नहीं मिले, हम रोजगार के संसाधन जुटाते तो हमारे को काम मिलता, हुआ आपको उद्योग स्थापित करते तो हमारे बच्चों को वहां काम मिलता, हमने पूरी जमीनें बो रखी है। चलिए ऐसी जेड के मुद्दे की भी बात हुई, ओम प्रकाश धनखड़ का भी जिक्र हुआ, फिर वो किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं उस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी कमियां ही हैं जो वो लेकर आने वाले हैं, कई बार बातचीत भी हुई है। विक्की जी आपका क्या सवाल है? मैडम मेरा ये सवाल है कि जी विधायक जी ने तो गांव बादली में नहीं, पूरे जो 102 गांव हल्के के उनमें बहुत विकास किया है, बादली गांव में कम से कम 7-8 चौपाए हैं जिनको कई कई लाख रुपए की लागत आ चुकी है, सभी को सीमेंटेड बनवाया, बहुत विकास कराया, ये विपक्षी पार्टी जो पानी में फोटो दिखाई दे रहे हैं लाइव, ये जोड़ का पानी है, ये गलियां आज आके देखो या लाइव देखो आके, फ्लाई ओवर को भी फैल करने लग रही है, गलियां ऐसी है, होली चौक को आके देखो ऐसा विकास कर रखा है, पूरे गाँव में विकास की लहर दौड़ी हुई है, हम इनका शुक्रगुजार। विकास की लहर कभी नहीं दौड़ती जनाब, विकास तो दिखता है, महसूस करती है जनता, उसको भोगती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये भी समझ में आता है कि फिर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। नरेश जी एससीजेड का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है, बादली में खास तौर से, और क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का जिक्र आया वो सबसे ज्यादा इसी मुद्दे को उठाते हैं, क्या खामियां रही हैं आपके इस 5 साल के शासन में अगर हम समझें तो? नरेश जी आप हैं हमारे साथ में, बातचीत की कोशिश करेंगे, बाकी दर्शकों से भी गुजारिश है कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ऐसे में आप लोग जुड़कर अपने विधायक से सीधा सवाल कर सकते हैं, क्या कुछ तस्वीर है बादली की ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तभी तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। एक दर्शक हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं, आपका क्या सवाल है अपने विधायक से? हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, ये बादली में 102 गांव है और जब भी हम गए हैं इनके पास अच्छी तरह इन्होंने बात सुनी है हमारी, लेकिन वो बार बार जो एक को दिखा रहे हैं ना, इससे बड़ी परेशानी हो रही, और कहीं का विकास नहीं दिखा रहे, स्टेडियम नहीं दिखा रहे, स्कूल नहीं दिखा रहे,
बिल्कुल, स्कूलें भी, स्कूल भी तमाम तरीकों के दिखाने की बातें हुई है, जिक्र भी हो रहा है। नरेश जी, और क्या कुछ खास योजनाएं आप लेकर आए बताइएगा। देखिए मैम, पहले 40 साल तक मुख्यमंत्री भी बनते रहे, विधायक भी बनते रहे, और यहाँ से इसी लोकसभा क्षेत्र से डिप्टी प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन किसी ने एक रोड़ा भी बाद में विधानसभा में लगाया हो तो उस जगह का नाम बता दें। राजनीतिक रोटियां कुटाकर शहीद होना चाहते हैं, घड़ियाल सुनाते हैं, और काम किसी ने कुछ किया नहीं, और ना हमारा विकास का सफर जारी रहेगा। चौधरी हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का सफर जारी रहेगा। नरेश जी, SEZ का मुद्दा आता है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ सवाल, आपसे संपर्क टूट गया था। SEZ के मुद्दे को लेकर वो जरूर इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, भले ही बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर नहीं की, लेकिन बादली का जिक्र होता है उनके ही नाम पर, तो वो SEZ के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में क्यों काम अधूरा रह गया, कहाँ पर कमियां रह गई, और क्या है ये पूरा प्रकरण, बताइए हमारे दर्शकों को। और ये चुनाव का स्टंट है, ये नौटंकी है, ड्रामेबाजी है, इनको यहाँ के किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ये कभी पहले दिखाई दिए, ना चुनाव के बाद में दिखाई देंगे। ये घड़ियाली आंसू है इनके, वोट हासिल करना चाहते हैं, ठगी करना चाहते हैं वोटों की। संदीप जी, आप क्या जानना चाहते हैं अपने विधायक से? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जब सरकार आई थी इनकी कांग्रेस की, तो इन्होंने HTET लागू किया था युवाओं को नौकरी देने के लिए, ठीक है, लोगों ने HTET पास किया, हमने भी JBT में अप्लाई किया, बाद में इन्होंने गैस टीचरों को पक्का करने के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस लागू करवा दिया कांग्रेस सरकार ने। अभी जो पात्र अध्यापक है, जैसे PGT की भी लिस्ट आउट हुई है, उनमें जो गेस्ट है वो लग गए हैं, और जो पात्र अध्यापक थे वो पीछे रह गए हैं। अभी जो JBT की लिस्ट है, सिर्फ गेस्टों के कारण ये नहीं लगा रहे हैं, ताकि गेस्ट बाहर ना हो जाएं, जिसके कारण जो पात्र अध्यापक हैं हजारों की संख्या में, 15-16 हजार, वो इनके बिल्कुल खिलाफ हैं, और आने वाले इलेक्शन में इनका पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले हैं, यदि इन्होंने JBT की लिस्ट नहीं लगाई तो। नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी नरेश जी कहिए। उसमें कोई कोर्ट मैटर है, कोई जनहित में कोर्ट में गया हुआ है, कोई टेक्निकल बात है, और जैसे ही वहां से गुजरात मिलेगी तो लिस्ट लगाई जाएगी। फोन ठीक है, भाई की मंशा और रोजगार की हर नागरिक को जरूरत होती है, और ये भाई की उचित मांग है, मैं इससे सहमत हूँ। मैं भी और ज्यादा प्रयास करेंगे कि कुछ भी हो जितनी जल्दी में लगाई जाए भाई। बिल्कुल, अब भोली राम जी हमारे साथ में है। भोली राम जी, आपका क्या सवाल है अपने विधायक से, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, मैं कहना था, ये TV पे जो आपके वीडियो दिखाई जा रही है, गांव बादल की जो गलियां दिखाई जा रही है, इसमें पानी खड़ा हुआ है। चलिए, लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे, लगता है इनसे संपर्क टूट गया। बाकी दर्शक हमारे क्या सोच पा रहे हैं, ये हम लगातार आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। 0111-432-1432 हमारा नंबर, जिसपे कॉल करके आप तमाम दर्शक जो हैं वो अपनी बातें रख सकते हैं। नरेश जी, भविष्य की क्या कुछ खास योजनाएं हैं आपको लगता है कि, आपने कई ऐसे मसले थे जहां पे कहा आपने कि काम चल रहा है, जो पूरे हुए हैं उनके बारे में बताइएगा, और जो काम चल रहे हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत करीब चुनाव है। हेलो, हाँ जी नरेश जी, कॉलेज पूरा हो गया है, 4 लाइन डासा बॉर्डर से जर्जर तक पूरा हो चुका है, भादरगढ़ तक प्रेस का रोड बन चुका है, एम्स की OPD चालू है, IIT का काम शुरू हो चुका है, डाइट की बिल्डिंग तैयार है, जहांगीरपुर IIT की बिल्डिंग 90% तैयार हो चुकी है, सिर्फ उसके अंदर गेट वगैरह और फिनिशिंग होनी बाकी है, तो रात दिन शुद्ध सत्र पर काम चल रहे हैं बादली विधानसभा में। और भी अगर कोई हमारे भाइयों की रिक्वायरमेंट है, कोई सुझाव देंगे और हमारे से कोई बात बैठकर करेंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे, सुचारू रूप से लागू करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। और मेरी तो एक ही मंशा है कि रेल हम लेकर आए हैं, और मैं MP साहब और CM साहब और मैं उनके साथ स्वयं बैठ कर आऊं, और ये हमारा सपना पूरा और बादली विधानसभा में।